नमस्कार, मैं हूं आरती यादव और आप देख रहे हैं News24 का यूपी उत्तराखंड चैनल, जहां आपको मिलती है यूपी उत्तराखंड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। इस मंदिर को भक्तों के लिए सिर्फ रक्षाबंधन के ही दिन खोला जाता है और उस दिन सूरज ढलने से पहले शाम को लगभग 4 बजे इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि बाकी 364 दिन भगवान नारद खुद भगवान नारायण की पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर मनुष्यों को पूजा करने का अधिकार सिर्फ एक दिन के लिए ही दिया गया है। इस बार इस मंदिर के कपाट 15 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन भक्तों के लिए खोले जाएंगे। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान वंशी नारायण मंदिर का निर्माण काल छठी से लेकर आठवीं छठी के मध्य का माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव काल में हुआ था। कत्यूरी शैली में बने 10 फीट ऊंचे इस मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है, जहां चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु विराजमान है। खास बात यह है कि इस मूर्ति में भगवान नारायण व भगवान शिव दोनों के ही दर्शन होते हैं। मंदिर में भगवान गणेश व वन देवियों की मूर्तियां भी मौजूद है। मंदिर पहुंचने की राह बेहद दुर्गम है। यहां पहुंचने के लिए बद्रीनाथ हाईवे पर हेलंग से उर्मक घाटी तक 8 किलोमीटर की दूरी वाहन से तय करनी पड़ती है। इसके बाद शुरू होता है 12 किलोमीटर का मुश्किलों भरा सफर। इस मंदिर में मनुष्यों को सिर्फ एक दिन पूजा का अधिकार दिए जाने के पीछे भी बहुत दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि एक बार राजा बलि ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वो पाताल लोक में उनके द्वारपाल बने। भगवान विष्णु ने उनके इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और वो पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु के बहुत दिनों तक दर्शन ना होने के कारण माता लक्ष्मी परेशान हो गई और वो नारद मुनि के पास गई। उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि भगवान विष्णु कहाँ हैं। नारद मुनि ने बताया कि वो पाताल लोक में हैं और द्वारपाल बने हैं और उनको वापस लाने का केवल एक ही उपाय है, आप पाताल लोक जाएं और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन राजा बलि के कलाई में रक्षा सूत्र बांधे और उनसे वापस भगवान नारायण को मांग ले। इस पर माता ने कहा कि मुझे पाताल लोक जाने का रास्ता नहीं पता, क्या आप मेरे साथ पाताल लोक चलेंगे। नारद मुनि ने माता के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और वो उनके साथ पाताल लोक चले गए और उनके अनुपस्थिति में गलगोट गांव के जाग पुजारी ने वंशी नारायण की पूजा की। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। रक्षाबंधन पर्व पर कलकोट गांव के प्रत्येक परिवार से भगवान नारायण के भोग के लिए मक्खन आता है। इसी मक्खन से वहाँ प्रसाद तैयार होता है। भगवान वंशी नारायण की फुलवारी में कई दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलते हैं। इन्हीं से श्रावण पूर्णिमा पर भगवान का श्रृंगार होता है। इसके बाद श्रद्धालु व स्थानीय ग्रामीण भगवान वंशी नारायण को रक्षा सूत्र बांधते हैं। मंदिर में ठाकुर जाति के पुजारी होते हैं। वर्तमान में कलगोट गांव के जाख पुजारी के पास ये जिम्मेदारी है। मंदिर के पास ही भालू गुफा है। यहाँ श्रद्धालु भोजन बनाने के साथ ही रात्रि विश्राम भी करते हैं। गुफा के ही पास प्राकृतिक जल स्रोत भी है। आपको हमारी ये खास पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।